मॉर्निंग, वेलकम बैक। माई न्यू वीडियो ऑफ बेसिक फिजिक्स। टुडे दिस इज माई 15th लेक्चर ऑफ टॉपिक हीट। आज हम लोग हीट टॉपिक का 15वां लेक्चर देखने जा रहे हैं और इसमें हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जानकारी देखेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। 14th लेक्चर में भी हल्का सा इंट्रोडक्शन हम इसके बारे में आपको दिए थे। आज हम इसको डिटेल में देखते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और इंटरनल एनर्जी के बारे में, फिर आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोबेरिक और आइसोपोरिक प्रोसेस के बारे में आगे जानकारी लेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, यह आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन दिख रहा होगा, क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल इक्वेशन। अभी तो समझते हैं कि क्यू क्या है, डेल यू क्या है और डब्ल्यू क्या है। ठीक है, तो क्यू जो है मेरा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। किसी सिस्टम को जो हम हीट देते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, तो वो सिस्टम उस हीट का यूज यानी उसका उपयोग किन किन चीज़ों में करता है? तो दो चीज़ों में करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट सिस्टम इंक्रीजेज इट्स इंटरनल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डेल्यू। इसको हम लोग इंटरनल एनर्जी को डेल्यू से डिनोट करते हैं। जब हम किसी सिस्टम को क्यू हीट सप्लाई देते हैं और उस हीट का वो सिस्टम यूज दो चीज़ों में करता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन। W is all the work done. Let W be the work done by the system or its surrounding, and delta is the change in the internal energy of the system. Then, तब कहता है, by the law of conservation of energy, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार जितना हम एनर्जी देते हैं इनपुट में उतना एनर्जी हमको आउटपुट में भी मिलना चाहिए। बस हो सकता है कि ऊर्जा चेंज करे, है ना, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर जाए, नो मैटर। लेकिन जो एनर्जी हम दिए हैं उतना कंजर्व होना चाहिए। सिंपल आप तो डेफिनेशन जानते होंगे ऊर्जा का एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा का ना तो हम लोग उत्पन्न करते हैं, ना ही इसका पूर्ण रूप से हयास कर सकते हैं। केवल हम लोग ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं एक रूप से दूसरे रूप में। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास है, कैन बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू मैकेनिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट कन्वर्ट फैन। यानी फैन जो है मेरा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में चेंज कर रहा हूँ। तो बस इसी से संबंधित हमारा ये थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक है। और जो हम सिस्टम में हीट सप्लाई दे रहे हैं वो सिस्टम उस हीट का दो चीज़ों में यूज कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीजेज इंटरनल एनर्जी, सेकंड वन वर्क डन। तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कि अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी बाई द डेवलप बाई द सिस्टम एंड वर्क डन डूइंग बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम नेक्स्ट डेल्यू दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। हाँ, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। अगर हम जानते हैं कि क्यू जो है अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन होता है किसी किसी सिस्टम में तो पॉजिटिव होता है, किसी किसी सिस्टम में रिलीज होता है। यानी जब हम सिस्टम में कोई एक्सपेंड करते हैं या हीट सप्लाई करते हैं तो वहाँ हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, और जब हम किसी सिस्टम को कंप्रेस करते हैं तो वहाँ से हीट रिलीज होता है। तो ये मे बी निगेटिव और पॉजिटिव, हीट सप्लाई टू द सिस्टम और फ्रॉम द सिस्टम
may be considered as negative and positive, and verdun also be considered as negative verdun or positive verdun. I have also discussed about previous classes about negative and positive verdun. Then change in the internal energy may also be negative or positive. Point to be noted. If amount of heat supplied by the surroundings to the system may be negative or positive, and what and by the system on the surroundings may be negative or positive, then change in internal energy may be negative or positive. This may occur. ये कब हैपन हो सकता है? जब हम हीट सप्लाई दे रहे हैं, इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है, वर्क डन भी हो रहा है, इस केस में इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बोथ आर पॉजिटिव. इन अनदर वे, इफ अ सिस्टम इज कंप्रेस्ड एंड हीट रेगुलरली इजेक्ट्स फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग्स, इन दिस केस हीट सप्लाई फ्रॉम द सिस्टम टू surroundings is considered as negative, then burden is also negative, and change in internal energy also to be considered negative. So this is the sign convention of heat supply, internal energy, and work done. Next, I'm going to discuss about internal energy. What is internal energy? If we subtract work done from the amount of heat supply to the system, then internal energy is said to be difference of del U equal to Q minus W. Del U is equal to Q minus W. What is the meaning of this internal energy? इसका मतलब ये है कि अगर हम amount of heat supply जो दे रहे हैं system को surrounding से, और वो system इतना work done किया, amount of heat supply minus work done is called change in internal energy. यानी internal energy may be defined as difference or subtraction of amount of heat supply and work done by the system. Difference of amount of heat supply and work done by the system. This is the equation of internal energy. यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में, है ना? चलिए देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, थर्मली कॉन्स्टेंट. एंड इस इन दिस प्रोसेस देयर आर टू वेरिएबल्स, प्रेशर एंड वॉल्यूम. प्रेशर एंड वॉल्यूम कैन चेंजेस बट टेम्परेचर कैनॉट चेंज इन द प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस. इन आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क डन रिमेन्स इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स नेग्लिजिबल. इफ वी कंसिडर इन दिस इक्वेशन इन मीन्स इन मीनिंग ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी फुली डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई. एंड इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, देन del U equal to zero, then amount of heat supplied to the system is fully used by the system on doing only work done in the isothermal process. While then, चलते हैं देखते हैं डिटेल में. First of all, we discuss about the isothermal process, and next we go on the clock thermodynamics. Wait sometimes.
आल्सो थर्मल प्रोसेस। देखते हैं आंसर प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम में चेंजेस। इस प्रोसेस में टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करेगा लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करेगा लेकिन टेम्परेचर हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। आइसोथर्मल प्रोसेस को हम बॉयल्स लॉ भी कह सकते हैं क्योंकि बॉयल्स लॉ में हमारा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट था और प्रेशर वॉल्यूम हमारा चेंज हो रहा था। इस प्रोसेस को हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। इन चेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स मे बी अलाउड। इस सिस्टम में लिख लीजिए In this process, pressure and volume of the system changes, but temperature of the system remains constant. But if change of heat between system and surroundings is allowed, बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे बोला गया इसी द्वारा चेंज ऑफ हीट होगा, इसके सिस्टम और सराउंडिंग से भी हीट एक्सचेंज होगा लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होगा और टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट होगा। चेंज ऑफ हीट टर्निंग इज अलाउड। आइसोथर्मल प्रोसेस इज कैरीड आउट बाय आइदर सप्लाइंग हीट टू द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग्स और फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग। ये दोनों ही प्रोसेस से आइसोथर्मल प्रोसेस को आप दिखा सकते हैं या ये पॉसिबल हो सकता है। या तो हम हीट सराउंडिंग से सिस्टम में दें या सिस्टम से हीट सराउंडिंग्स में इंजेक्ट करें। दैट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। एंड आइसोथर्मल प्रोसेस इज वेरी स्लो प्रोसेस। ये हमेशा स्लो होता है। आपके अंदर एग्जाम्पल बताइए। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग प्रोसेस। मेल्टिंग प्रोसेस एंड बॉइलिंग प्रोसेस बोथ आर स्लो प्रोसेस। एंड यू सी एट द बॉइलिंग प्रोसेस टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट एंड वी नो अबाउट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर बॉइल्स। At that temperature, that point, temperature is constant and water boils regularly. That is the best example of isothermal process. देखिए इसको example के तौर पे boiling process and melting process. Boiling process and melting process. Boiling and melting both are slow process. Both are taking times to happen. Boiling और melting होने में दोनों ही जो है हमारा slow process है, दोनों ही समय लेता है। ऐसा तो नहीं ना कि बर्फ निकाल कर फिर से तुरंत melt कर जाता है, कुछ समय लेता है। Some time taken to melting. और जब इसके उल्टा अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो इसमें भी टाइम लेता है। थोड़ा थोड़ा पहले गर्म होता है, धीरे 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 फिर वो फिर 100 डिग्री टेम्परेचर पहुंचता है तो फिर पूरा बॉयल होने लगता है। तो दोनों ही स्लो प्रोसेस है। लिख सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ स्लो प्रोसेस। आइसो थर्मल प्रोसेस इज स्लो प्रोसेस। इक्वेशन हम देखते हैं बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग इसको किस तरह से हम डिनोट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ पी
प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वी, वी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, देन पी 1 बाई वी एंड वी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वी, देन पी एंड वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पी और वी, यहाँ पे हमारा कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट को हम लोग पी वी इक्वल टू आर टी से भी डिनोट करते हैं, जहाँ मेरा कॉन्स्टेंट है आर टी मेरा टेम्परेचर है। तो बस आप यही याद रखें कि मैं ऐसे काम प्रोसेस पी वी कॉन्स्टेंट, क्योंकि ये वॉयस लाइट से ही आ रहा है ग्राफिकली, अगर हम इसको डिनोट करें तो वॉयस लाइट दैट मीन्स थर्मल प्रोसेस। ग्राफ से अगर देखें तो इस तरफ से हमारा ग्राफ जाएगा पी और वी के बीच, वी आप एक्स एक्सिस पे ले लीजिए, आप प्रेशर को वाई एक्सिस पे, पी वन पी टू पी थ्री डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट ही है, प्रेशर और वॉल्यूम के डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये हमारा ग्राफ शो कर रहा है। और इन तीनों ही ग्राफ को हम आइसोथर्म कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स की भाषा में। तो ये था आपको आपका टॉपिक आइसोथर्मल प्रोसेस, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अंदर हम लोग पढ़े। अब देखते हैं इस आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर हम थर्मोडायनेमिक्स को इंक्लूड करें, यानी थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन को डील करें थोड़ा, तो क्या वेरिएशन होता है। हम तो जानते हैं क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस W and amount of heat is the amount of heat, delta is the internal work done, internal energy changes in the internal energy of the system, and W is the work done by the system. In this condition, temperature is constant. Temperature हमारा क्या है? Constant है। जब temperature constant होगा, तो change in internal energy zero होगा। जब change in internal energy zero होगा, तो amount of heat supplied to the system is fully used only by doing work done. यानी कि जो सिस्टम में हम amount of heat दे रहे हैं वो पूर्ण रूप से अब किस चीज में यूज किया जा रहा है, तो वर्क डन करने में, क्योंकि इंटरनल एनर्जी हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। इस प्रोसेस को हम लोग आइसो थर्मल प्रोसेस नाम देते हैं इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एंड अगर हम लोग ऐसे आइसो थर्मल प्रोसेस को देखें तो पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड ग्राफिकली अगर हम देखें आइसो थर्मल प्रोसेस को, प्रेशर और वॉल्यूम से भी इस तरह का ग्राफ शो करेगा, और इस टी वन टी टू टी थ्री डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए इन इनको हम नाम देते हैं डिफरेंट आइसोथर्म्स। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंट प्रोसेस, आगे हम देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, इससे पहले हम देखते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। इन एडियाबेटिक प्रोसेस टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑल द थ्री वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम्स आर चेंजेस, बट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। इन एडियाबेटिक प्रोसेस टेम्परेचर, इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम चेंजेस, एंड देयर इज एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, हमने अभी पढ़ा। बट इसमें क्या है, वॉल्यूम भी चेंज कर रहा, प्रेशर भी चेंज कर रहा और टेम्परेचर भी चेंज कर रहा, लेकिन सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच हीट या कोई एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं हो रहा। यानी हम इसको कह सकते हैं इन एडियाबेटिक प्रोसेस इज आइसोलेटेड प्रोसेस, यानी कि इसमें सिस्टम हमेशा सराउंडिंग से आइसोलेट रहेगा, अलग रहेगा, इसमें किसी तरह का हीट एक्सचेंज नहीं होगा। प्रोसेस ऑफ सडन और क्विक टू बी एडियाबेटिक, यानी कि एडियाबेटिक प्रोसेस जो अचानक होता है, सडनली होता है,
ठीक है, क्विकली होगा, इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस। सिस्टम इज इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, अभी बताया सिस्टम हमेशा सराउंडिंग से इंसुलेटेड होगा, सराउंडिंग से इस तरह का कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा, हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, दैट मीन्स इंसुलेटेड है। चलिए एग्जांपल देखते हैं कि हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस का एग्जांपल क्या क्या है हो सकता है। ब्रस्टिंग ऑफ टायर मेन एग्जांपल, और फर्स्ट एग्जांपल आपको समझने के लिए ब्रस्टिंग ऑफ टायर, ब्रस्टिंग ऑफ टायर है ना, अचानक से टायर का फट जाना। जैसे हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, गर्मी का दिन है, टेम्परेचर ज़्यादा है, हम लोग चल रहे हैं, गाड़ी भी चल रहा है हाईवे पे एकदम पूरा स्पीड में, होता क्या है कि इंटरनली वो सिस्टम, मतलब कि उसके अंदर जो गैस भरा रहता है वो सराउंडिंग से आइसोलेट होता है, क्योंकि टायर जो होता है वो इतना स्ट्रांग होता है, इतना मजबूत होता है कि किस तरह का हीट ना तो सिस्टम से सराउंडिंग में जाए, ना ही सराउंडिंग से सिस्टम में आए, उससे गैस भी होता है, चलने के दरमियान फ्रिक्शन से टेम्परेचर बढ़ते जाता है, टायर का टेम्परेचर बढ़ता है, वो टेम्परेचर सिस्टम के अंदर, दैट मीन टायर के अंदर जाता रहता है, प्रेशर भी बढ़ता जाता है, धीरे धीरे वॉल्यूम भी बढ़ता है, जिस वजह से अचानक एक ऐसा पॉइंट आता है जब इलास्टिक लिमिट खो देता है ट्यूब, जब इलास्टिक लिमिट को पार कर जाता है फाइनली वो ब्रस्ट कर जाता है, यानी कि ये सडनली अचानक फट जाता है, मतलब कि इसमें हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट ए स्लो प्रोसेस, बट आइसोथर्मल प्रोसेस इज ए स्लो प्रोसेस, एंड एग्जाम्पल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग ऑफ, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर, इसमें समय दे रहा था, धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन इसमें ये सडन चेंज है, अचानक होने वाला, इस प्रोसेस को हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस कहेंगे। और अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार देखें एडियाबेटिक प्रोसेस को, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इन द सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। तो अगर मान लेते हैं डिक्रीज द अमाउंट ऑफ, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इन द सिस्टम, डिक्रीज हो रहा है स्मॉल अमाउंट ऑफ सिस्टम में देना है हीट सप्लाई, एंड यूज द स्मॉल इंटरनल एनर्जी चेंज इन द स्मॉल इंटरनल एनर्जी, एंड dW इज द स्मॉल वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। देन यहां पर हमने बताया कि सिस्टम इज फुली आइसोलेटेड, जब सिस्टम फुली आइसोलेटेड है तो dQ क्या हो जाएगा हमारा, यानी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई वो जीरो हो जाएगा, ना तो सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है और ना ही सराउंडिंग से सिस्टम में जा रहा है, दैट फुली आइसोलेटेड सिस्टम होने की वजह से dQ यानी कि अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई जीरो। देन ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो को करेंगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, दूसरे भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तब दोनों ही एक दूसरे का नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कि अगर हम इंटरनल एनर्जी की भाषा में बोले तो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, वर्क डन की भाषा में बोले तो चेंज इन नेगेटिव ऑफ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये है आपका आइडियाबेटिक प्रोसेस, और अब हम लोग देखते हैं आइडियाबेटिक प्रोसेस का को हम लोग मैथमेटिकली किस तरह से डिनोट करते हैं। और ग्राफिकली आइडियाबेटिक प्रोसेस को हम लोग देखते हैं, इसे ग्राफ क्या होता है, तो मैथमेटिकली आइडियाबेटिक प्रोसेस PV गामा कांस्टेंट, यहाँ पे देखिए PV गामा कांस्टेंट से हम लोग आइडियाबेटिक प्रोसेस को हम लोग मैथमेटिकली डिनोट करते हैं, और हम लोग गामा इक्वल टू जाते हैं CP बाई CV, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम के रेशियो को हम लोग गामा से डिनोट करते हैं। ये है मेरा एडियाबेटिक रिलेशन ऑफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, इसका ग्राफ की अगर बात करें तो एडियाबेटिक प्रोसेस का ग्राफ हमारा इस तरह से जाएगा, यह है एडियाबेटिक का ग्राफ, ये आपका जो है आइसोथर्मल का दिखा रहा है, आइसोथर्मल भी आता है
तरफ से खींचे थे, ये ऐसे था मिस्टर, और ये जो है मेरे एरिया ग्राफ का एक सर्कलाइज रेसर हो गया, और ये वॉल्यूम है। तो ये है आपका एडियाबेटिक प्रोसेस से संबंधित जानकारी। एडियाबेटिक प्रोसेस को हम लोग पीवी गामा कॉन्फिडेंस से डिनोट करते हैं, जहां गामा इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट सेट टेंपरेचर एंड स्पेसिफिक हीट सेट कंटेंट वॉल्यूम एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम। ग्राफ ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस गिव्स, दिस ग्राफ गिव्स एडियाबेटिक प्रोसेस एंड दिस ग्राफ गिव्स आइसो थर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आइसोबेरिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। यानी सकते हैं
कॉन्स्टेंट, ठीक है, टी बटे टी कॉन्स्टेंट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस और आइसोकोइक प्रोसेस। नाउ योर लास्ट टॉपिक ऑफ हिट चैप्टर इज टू बी गोइंग टू बी नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोबैरिक प्रोसेस। आई विल डील जस्ट नाउ आइसोबैरिक प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम लोग कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस भी बोलते हैं, यानी कि इसमें हमारा प्रेशर कॉन्स्टेंट रहेगा। प्रोसेस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट इज प्रेशर कॉन्स्टेंट प्रेशर, यानी कि प्रेशर हमारा कॉन्स्टेंट है, बाकी वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज करेगा। अगर एग्जाम्पल देखें आइसोबैरिक प्रोसेस का, हीटिंग ऑफ वाटर एट कॉन्स्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो हमारा पानी के गर्म होने का जो प्रोसेस है वो आइसोबैरिक प्रोसेस है ना। ये हमारा कॉन्स्टेंट प्रेशर पे गर्म होता है, मतलब कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, कॉन्स्टेंट है। यहाँ किस तरह का कोई चेंजिंग हो नहीं रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, और हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है वाटर का जब हम हीट दे रहे हैं तो, और इसका वॉल्यूम भी चेंज कर रहा है। तो देखिए अगर इसका हम ग्राफ की बात करें तो आइसोबैरिक प्रोसेस यानी कि कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस में जो ग्राफ होगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि वॉल्यूम के अकॉर्डिंग होगा। वॉल्यूम चेंज हो रहा है लेकिन प्रेशर यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, ये देखिए बढ़ते रहा जा रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। इसे जब आइसोबैरिक प्रोसेस में देखते थे इस तरह का ग्राफ था, इसका मतलब प्रेशर बढ़ रहा था वहाँ पे वॉल्यूम कॉन्स्टेंट था। यहाँ पे मेरा वॉल्यूम बढ़ रहा प्रेशर मेरा कॉन्स्टेंट है। अगर हम इसमें देखिए इसके इक्वेशन की बात करते हैं तो आइसोबैरिक प्रोसेस का इक्वेशन फ्रॉम आइडेंटिटी इक्वेशन से, इसमें मेरा प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो पी वन बराबर पी टू कर दिए, और जब पी वन बराबर पी टू हो गया तो ये कैंसिल हो जाएगा और डी वन बटे पी वन बराबर डी टू बटे पी टू बराबर तीसरे बटे तीसरे इसमें कॉन्स्टेंट आएगा, तो वी वाई टी होगा कॉन्स्टेंट हो गया। इस प्रोसेस को हम लोग आइसो फोरिक प्रोसेस सॉरी आइसोबैरिक प्रोसेस के नाम से जानते हैं। और अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से देखें तो फर्स्ट लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू हम लोग क्या जानते हैं आइडेंटिटी इक्वेशन सी वी बराबर आर टी म्यू आर टी। तो इसमें जब हीट सप्लाई दे रहे हैं वो हीट सप्लाई दो चीज़ों में यूज कर रहा है, सम ऑफ द हीट यूजेज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी एंड सम ऑफ द हीट यूजेज टू फॉर डूइंग वर्क बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, यानी कि कुछ ऊष्मा का यूज ये हीट इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में और कुछ ऊष्मा का यूज ये अपने वर्क डन करने में कर देता है। इस वजह से हमारा जो वर्क डन है पी बी टू माइनस डी बी टू माइनस डी वन और न्यू इंटू आर पी टू माइनस टी वन। तो ये है आपका आइसोबैरिक प्रोसेस, और इस आपका टॉपिक जो है हीट का खत्म हो चुका है, हीट चैप्टर पूरा समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस थर्मोडायनेमिक का यानी आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस एंड आइसोकोरिक प्रोसेस से रिलेटेड न्यूमेरिकल का वीडियो देंगे, वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो का आप लोग वेट करें। थैंक यू।